नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है जैसे मापा ना जा सके के लिए एक्सेप्ट क्या होता है। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसे मापा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपरमेय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसे मापा ना जा सके के लिए एक शब्द होता है अपरमेय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। एमपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आयुष्मान किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बताइए, आयुष्मान किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। 55 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आपका टारगेट रहेगा 45 प्लस का। सभी लोग क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। यह शुद्ध वर्तनी है आयुष्मान की। जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। एक मुहावरा दिया गया है, पल्ला झाड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको एक मुहावरा दिया गया है, पल्ला झाड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पीछा छुड़ा लेना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पल्ला झाड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है पीछा छुड़ा लेना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भी आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर से आंसर करिए। अनुराधा, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। अमित, वेरी गुड, अब से बहुत अच्छे, आपके राइट आंसर हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ये क्वेश्चन है। ईसु, आपका भी राइट आंसर है। रूही, फायर गर्ल, सीमा, रिंकू, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। राम कुमारी, जरीना, टारगेट कप्ता, पूजा, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। प्रिया, आपका भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दो। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मुस्कान, इमेजिन, आपके भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दो प्रकार की होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरसा, आपका भी राइट आंसर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध वर्तनी चयन कीजिएगा।
सभी जल्दी से आंसर करिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऊपर लिखित किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर है, यह शुद्ध वर्तनी है ऊपर लिखित की, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड, डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए, डी करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इसका आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, गुड। क्वेश्चन इस प्रकार है, विकीर्ण का ब्लॉम शब्द क्या होता है, आपको बताना है विकीर्ण का ब्लॉम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एकत्र, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विकीर्ण का ब्लॉम शब्द होता है एकत्र, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है मच्छा किसका तत्सम है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मक्खी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मक्खी एक तद्भव शब्द है, अगर पूछा जाए परीक्षा में मक्खी किस प्रकार का शब्द है, मक्खी एक तद्भव शब्द है और मक्खी का तत्सम, तत्सम क्या होता है, मच्छा, तो बी इसका राइट आंसर होगा, मच्छा करेक्ट आंसर है। मतलब मच्छा ये मक्खी का तत्सम होता है, बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर क्या होगा, चिरंतन का पर्यायवाची क्या होता है। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है चिरंतन का पर्यायवाची क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाश्वत। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चिरंतन का पर्यायवाची शाश्वत होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, शाश्वत करेक्ट आंसर है इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी के राइट आंसर है। वैसे आप लोग याद रखिएगा, चिरंतन का पर्यायवाची शाश्वत होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पंथी, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सभी ध्यान से सुनिए, द्विज, खग, विहग सभी किसके पर्यायवाची हैं, सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं, पंथी। अब पूछ सकते हैं परीक्षा में पंथी किसका पर्यायवाची है, तो आप लोग याद रखिएगा जो पंथी है राही का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, राही का पर्यायवाची होता है। पथिक का पर्यायवाची भी होता है, पूछ सकते हैं पथिक का पर्यायवाची क्या होता है, पथिक का पर्यायवाची भी पंथी होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, ये चार आपको ऑप्शन दिए गए,
सभी बताइए इनमें से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धनद। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में धनद किसका पर्यायवाची है, अगर पूछा जाए परीक्षा में धनद किसका पर्यायवाची है तो धनद कुबेर का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? धनद कुबेर का पर्यायवाची होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी विनायक, एक दंत, लंबोदर सभी गणेश जी के पर्यायवाची हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, धनद कुबेर का पर्यायवाची है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। कोयल का पर्यायवाची बताइए, इनमें से कौन सा शब्द कोयल का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा शब्द कोयल का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से कोयल का पर्यायवाची क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा कोकिला, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कोयल का पर्यायवाची कोकिला होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है भूगोल का ब्लॉम शब्द क्या होता है, सभी इसका आंसर करिए, भूगोल का ब्लॉम शब्द बताइए क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है भूगोल का ब्लॉम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खगोल, डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खगोल, भूगोल का ब्लॉम शब्द खगोल होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भुजा का संधि विच्छेद क्या होता है, ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से कई परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। भुजा का सही संधि विच्छेद क्या होता है, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए क्लास होती है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बहुत अच्छे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भू धन ऊर्जा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भू ऊर्जा का सही संधि विच्छेद होता है, भू धन ऊर्जा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, जो पसीने से उत्पन्न हो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है, बहुत अच्छे, तो सभी इसका आंसर करिए, राइट आ रहा हूँ, आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वेदज, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो पसीने से उत्पन्न हो स्वेदज कहलाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, स्वेदज करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, व्यष्टि का विलोम क्या होता है, सभी इसका आंसर करिएगा, व्यष्टि का विलोम क्या होता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो सभी आंसर दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, आपको बताना है व्यष्टि का विलोम क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समष्टि। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर। आप सभी के चंद्रिका का पर्याय क्या होता है, आपको बताना, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द है, सभी का क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द चंद्रिका का पर्यायवाची है, सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
यस ऑप्शन नंबर सी सर होगा कौमुदी, चंद्रिका का पर्यायवाची है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है कौमुदी, चंद्रिका का पर्यायवाची होता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहा जाता है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए राइट या रॉन्ग, आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर करिए। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है मंथर कहलाता है, क्या कहलाता है, मंथर कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है मंथर करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, इसका राइट आंसर बताइए, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, डी इसका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, सोने के गहने बनाने वाले को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है सोने के गहने बनाने वालों को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए, इसका राइट आंसर बताइए, इजी क्वेश्चन है, गुड, इसका आपको गलत आंसर नहीं देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सुनार, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सोने के गहने बनाने वालों को सुनार कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सुनार करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सुनार, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बेईमानी की परत इसकी रचना है, लेखक कौन है इसके, सभी जल्दी से बताइए, बेईमानी की परत के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। दिनकर, निराला, हजारी प्रसाद, हरिशंकर परसाई, इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरिशंकर परसाई, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बेईमानी की परत के लेखक हरिशंकर परसाई हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, प्रसारण का विलोम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए, आपको बताना है प्रसारण का विलोम क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, स्पेशल जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, शाम को 8 बजे अगली क्लास होगी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आंकुचन कहते हैं, क्या कहते हैं, आंकुचन कहते हैं प्रसारण का विलोम, आंकुचन होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रसारण का विलोम आंकुचन होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। नाक में दम करना मापे का सही अर्थ क्या होता है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 का, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत परेशान करना, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ होता है, बहुत परेशान करना, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, आपको बताना है बिल्ली को पहले ही दिन
मारना चाहिए का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, UPPCS की परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड, सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, सभी आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैग का समन शुरू में ही करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना मुहावरे का सही अर्थ है, किस मुहावरे का यह सही अर्थ है, सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है किस मुहावरे का सही अर्थ होता है, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, सभी इसका आंसर करिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऊंट के मुंह में जीरा। का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, ऊंट के मुंह में जीरा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतस्ट व्यंजन, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिए, तो आप लोग याद रखिएगा, या रा ला वा अंतस्ट व्यंजन है, बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, चार ऑप्शन को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड, सभी इसका आंसर दीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पद्मा, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है पद्मा किसका पर्यायवाची होता है, पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, जिसका पर्यायवाची होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग, बहुत अच्छे, बाकी तीनों ऑप्शंस को याद रखिएगा, बाकी तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं, पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, वृक्ष का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सभी चार ऑप्शंस को पढ़िए, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है वृक्ष का पर्यायवाची इसमें कौन सा है, बी इसका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, पादप करेक्ट आंसर होगा इसका। अगर पूछा जाए परीक्षा में वृक्ष का इसमें पर्यायवाची कौन सा शब्द है, तो पादप होता है वृक्ष का पर्यायवाची। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जिस भी परीक्षा में हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास है, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें भी हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के लिए क्लास है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अतिशयोक्ति। क्या कहा जाता है, अतिशयोक्ति कहा जाता है। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था
2013 की परीक्षा में अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, योग का विलोम क्या होता है। सभी जल्दी से बताइए योग का विलोम क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिएगा। आरपीएफ में हिंदी नहीं पूछी जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। योग का विलोम क्या होता है, अयोग होता है, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अयोग करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, सभी इसका आंसर करिएगा आपको बताना है। इसमें अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। अल्प विराम का चिन्ह बताइए, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर है, ये अल्प विराम का चिन्ह है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, बाकी आरपीएफ के लिए स्पेशल जीके क्लास होती है उसे आप लोग देख सकते हो, एक शाम को 8 बजे होती है, सुबह 10 बजे स्पेशल जीके क्लास आरपीएफ के लिए है, उसे भी आप लोग देख सकते हो। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए, बाकी जिस भी एग्जाम में हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको एक भाग दिया गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, एक भाग आपको दिया गया है और भाग में ये वाला जो भाग है ये गलत है, इसके स्थान पर सही क्या आएगा। मैं गाने का कसरत कर रहा हूं, इसमें यह जो भाग है ये गलत है, इसके स्थान पर सही क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अभ्यास कर रहा हूं, क्या होगा सही, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, आपको बताना है अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धरोहर, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर कहलाती है, बी इसका राइट आंसर होगा, धरोहर करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, सभी के करेक्ट आंसर हैं, धरोहर करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, एक वाक्य आपको दिया गया है, बताइए इस वाक्य में कहां पर गलती है, उसने आवाज देकर पूछा इसमें कहां पर गलती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इस वाक्य में कहां पर गलती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आवाज शुद्ध वर्तनी नहीं है इसकी, ये गलत लिखा है, आवाज लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, आवाज लिखा जाता है, उसने आवाज देकर पूछा अब शुद्ध है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। फिर से आपको एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में कहां पर गलती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, इसमें कहां पर गलती है। सभी आंसर करिएगा, वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, पहले बाघ को सही से पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, नजर रखता है, यह शुद्ध होगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा,
जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए क्या होगा इसमें, सभी जल्दी से आंसर करिए। शब्द कलश का पर्यायवाची है, इसका राइट आंसर होगा। आंसर सभी लीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर बताइए। इसमें आपको कलश का पर्यायवाची बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी इसका राइट आंसर होगा। कलश का पर्यायवाची कुंभ होता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए एक्सेप्ट क्या होता है, सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देशद्रोही। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, देशद्रोही कहा जाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही कहलाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, देशद्रोही करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। जिसके समान दूसरा ना हो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अप्रतिम, डी इसका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसके समान दूसरा ना हो अप्रतिम कहलाता है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप प्रतिम करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। योगदान में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइए योगदान में कौन सा समास है। गुड आफ्टरनून, अब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है योगदान में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मधार है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है, योगदान में कर्मधार समास है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, इसका राइट आंसर क्या होगा, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, आपको बताना है लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लौकिक में एक प्रत्यय है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। निम्न में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से नहीं बना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से नहीं बना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नौकरानी, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नौकरानी में कौन सा प्रत्यय है, आनी प्रत्यय है। किस प्रत्यय से बना है, आनी प्रत्यय से बना है। बाकी बना है मोरनी, नी प्रत्यय से बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नौकरानी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर आंसर होगा, नौकरानी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। तीन लोक से मथुरा निहारी का अर्थ क्या होता है, सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। तीन लोक से मथुरा निहारी का अर्थ क्या होता है,
बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़िएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत सुंदर होना सबसे निराला। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बहुत सुंदर होना सबसे निराला। तभी तो तीन लोग से मथुरा न्यारी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है राम घर गया और श्यामा सॉरी और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में ये जो रेखांकित शब्द है और किस प्रकार का शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सूचक, परिणाम दर्शक, संयोजक, कारण बोधक, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिएगा, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इसमें ये जो और शब्द है किस प्रकार का शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संयोजक शब्द है, संयोजक शब्द है और, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संयोजक शब्द है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आ बैल मुझे मार का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? अनुज, गौ, गुरुजन या लेखक, इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ आप लोग आंसर करिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुजन, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुरुजन एक बहुवचन शब्द है, बहुवचन शब्द कौन सा है? गुरुजन, क्योंकि गुरुजन का अगर पूछा जाए एक वचन शब्द क्या होता है, तो गुरुजन का जो एक वचन है गुरु होता है, क्या होता है? गुरु होता है, और गुरु का बहुवचन क्या होता है? गुरुजन, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गुरुजन करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। लड़कियां बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लड़की, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 है ये क्वेश्चन नंबर। आपको बताना है हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 33, यस ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है, तो बी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा, 33 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। पृथक का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए, आपको बताना है पृथक का विलोम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पृथक का आपको विलोम शब्द बताना है, सभी इसका आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एकत्र, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पृथक का विलोम शब्द होता है एकत्र, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। रीत काल का अन्य नाम क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है रीत काल का अन्य नाम क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रृंगार काल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रीत काल का अन्य नाम श्रृंगार काल होता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है, सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए, आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? जो अध्यात्म से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक कहते हैं। अभी आपको बताना है आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भौतिक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आध्यात्मिक का विलोम शब्द भौतिक होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। अब इसका आंसर करिए, आपको बताना है स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निस्वार्थ। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्वार्थ का विलोम शब्द निस्वार्थ होता है, बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ होता है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है मनोहर में कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। मनोहर में कौन सी संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि? इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विसर्ग संधि। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मनोहर में विसर्ग संधि है तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अमित, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। अनुराधा, वेरी गुड। ईसु, प्रियंका, अभिषेक, योगेश, कप्ता, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। अंशी, सीमा, मुस्कान, पूजा, हिमांशु, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। लियो, नेहा, सभी करेक्ट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। प्रिया सिंह गुड, आपका भी राइट आंसर है। टिल्लू, रिंकू कुमारी, कविता, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। मनीषा, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनके सही उत्तर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जंगम करेक्ट आंसर होगा। जंगम करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग रेसर, वेरी गुड। स्थावर का विलोम होता है जंगम, तो सी का राइट आंसर होगा। गुड आफ्टरनून, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है अरुड़ किसका पर्यायवाची है, अरुड़ किसका पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है अरुड़ किसका पर्यायवाची शब्द होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूर्य का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अरुड़ सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अरुड़ सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। क्वेश्चन अच्छा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आम, जामुन, केला, अंगूर, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड।
तो आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द फारसी भाषा का शब्द है, आम, केला, जामुन, अंगूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अंगूर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो अंगूर शब्द है दोस्तों, ये फारसी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? विदेश शब्द है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, अंगूर करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अंगूर फारसी भाषा का शब्द है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। विरोधी पक्ष का क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विरोधी पक्ष का होता है उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विपक्षी। क्या कहा जाता है? विपक्षी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, विपक्षी करेक्ट आंसर है। विरोधी पक्ष का विपक्षी कहलाता है, बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दृढ़ प्रतिज्ञा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने इसका भी राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ होता है दृढ़ प्रतिज्ञा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, स्पेशल जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। और ये वाली जो क्लास है डेली शाम को 3 बजे होती है, स्पेशल हिंदी क्लास डेली शाम को 3 बजे, तो इसका भी आप लोग टाइम याद रखिएगा, बहुत अच्छे। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।